सो एक और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुके हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। काफ़ी लोगों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है किसकी। तो UIIC आप विकीपीडिया लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा भरोसा करते हो, तो इस पर ही देख लेते हैं ऑनर कौन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप गूगल पे लिखोगे UIIC करियर, सबसे पहला लिंक आएगा ये वाला, उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये वाले प्लस पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको अप्लाई करने का लिंक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे PDF पे क्लिक करोगे तो आपको PDF खुल जाएगा। एक्सपांड कर लेते हैं और जान लेते हैं बारी बारी इसी नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक और आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। सो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है टाइटल में ही कि रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। सो टोटल वैकेंसीज 200 है और यहाँ पे वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया है। देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज तो स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है और जर्नलिस्ट की वैकेंसीज है। जर्नलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे कोई भी आवेदन कर सकता है। SC कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है, ST के लिए 8 वैकेंसी है, OBC के लिए 27 वैकेंसी है, EWS के लिए 10 वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड के लिए 40 वैकेंसी है। टोटल देखे जाए तो 100 वैकेंसीज है और स्पेशलिस्ट के लिए भी बाइफरकेशन दिया है कैटेगरी वाइज, और टोटल वैकेंसी देखा जाए तो उसके लिए भी 100 वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट में कौन कौन सी कैटेगरी है, तो रिस्क मैनेजमेंट है टोटल 10 वैकेंसीज, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है टोटल 20 वैकेंसीज, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है टोटल 20 वैकेंसीज, केमिकल इंजीनियर्स है या फिर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है 10 वैकेंसीज, डेटा एनालिटिक्स है 20 वैकेंसीज और लीगल है 20 वैकेंसीज। कुल मिलाकर स्पेशलिस्ट के 100 वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, सो वैकेंसीज के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जान लिया होगा, जानकारी मिल गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और एलिजिबिलिटी सबसे पहले हम जर्नलिस्ट की देख लेते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, बट मिनिमम 60% मार्क्स तो चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हो, और अगर SC ST कैटेगरी वाला है तो 55%। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट कैटेगरी वालों के लिए। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए BE BTECH लिखा है कोई भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 60% मार्क्स, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में या फिर PGDM रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो और करके लिखा है ये वाला कॉम्बिनेशन चलेगा जहाँ पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा है ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर BCOM वाला विथ 60% मार्क्स डिग्री होल्डर भी आवेदन कर सकता है। तो ये अच्छा है BCOM वालों के लिए, जो 60% मार्क्स से ज़्यादा है वो लोग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। MCOM वाले के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, केमिकल इंजीनियर्स और मैकाट्रॉनिक्स के लिए BE BTECH मैकाट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स और ME MTECH भी चलेगा। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के लिए BE BTECH इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, ग्रेजुएट स्टेटिस्टिक्स, डेटा साइंस, एक्चुरियल साइंस विथ 60% मार्क्स, और करके ये MCA पोस्ट ग्रेजुएट ये भी लिखा है तो ये भी आप आवेदन कर सकते हो। और लीगल वालों के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स, और मास्टर डिग्री है तो लॉ में तो 60% नहीं चाहिए, एनी ग्रेजुएट मतलब कोई भी परसेंटेज से आवेदन कर पाओगे। जर्नलिस्ट वालों का तो हमने पहले ही चेक कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है क्वालिफिकेशन मेंशन अबव शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया ड्यूली अप्रूव्ड बाई UGC और AICTE एज द केस मे बी विद अप्रोप्रिएट पैटर्न लाइक 10+2+3 और इट्स इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि आपने 10th स्टैंडर्ड किया होना चाहिए, 10+2 यानी 12th भी किया होना चाहिए और उसके बाद आपने डिग्री की हो ही होनी चाहिए। समझ में आई बात? ओके,
बाकी तो चीज़ें आपको अंडरस्टूड है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम 21 साल चाहिए, मैक्सिमम 30 साल चाहिए, और यहाँ पे बर्थ डेट लिखा है कि कैंडिडेट का बॉर्न जो जन्म है वो इस डेट पे हुआ होगा तो चलेगा, या इसके बाद, और इस डेट पे हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उससे पहले, और कोई भी नहीं चलेगा। बट कुछ कैटेगरी वालों के लिए अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो लोग 30 की जगह 35 तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वाले 3 साल तक यानी 30 की जगह 33 तक आवेदन कर सकते हैं, और उसी तरह बाकी सारी कैटेगरी वाले, जैसे कि दिव्यांगजन के लिए लिखा है 10 साल, एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे जो मेंशन है उनके लिए 5 साल, डिफेंस सर्विस वालों के लिए और जो मेंशन है उनके लिए 3 साल, विडोज डिवोर्स के लिए 9 साल, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वालों के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। बढ़ते हैं आगे और कुछ जान लेते हैं और जानकारी, जैसे कि ये रहा एप्लीकेशन फ़ीस। जी हाँ, आपको आवेदन करने की एक फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जिप्सा कंपनी के मेंबर्स हैं तो आपको 250 रुपये देने हैं, और बाकी सभी लोगों के लिए, जैसे अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, उन लोगों के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 15 अक्टूबर से, और लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का 5 नवंबर, और पेमेंट करने का, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने का भी लास्ट डेट रहेगा 5 नवंबर। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स मेन का स्ट्रक्चर नहीं है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही फेज़ में ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट फेज़ होता है एग्जामिनेशन और दूसरा फेज़ होता है इंटरव्यू। तो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 14 दिसंबर 2024, टेंटेटिवली ऑलमोस्ट इस डेट पे हो ही जाएगा, टेंटेटिवली लिखना पड़ता है ताकि यदि कुछ ऊंच नीच हो तो बदलने के योग्य रहें। ठीक है, सो आवेदन करने की लास्ट डेट है 5 नवंबर, और आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपको आवेदन करने की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे, अभी तो नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा 15 अक्टूबर को, और आज डेट कौन सी है, 14 अक्टूबर, सो अभी शुरू नहीं हुआ है, 15 तारीख को शुरू होगा, जैसे ही शुरू होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अपडेट कर दूंगा तो वो भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भी वही करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और उसके बाद इंटरव्यू है। सो जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए है उनके लिए ये है एग्ज़ाम पैटर्न, आप देख सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं जर्नलिस्ट वालों के एग्जाम पैटर्न, तो जर्नलिस्ट वालों के एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज एग्जाम पैटर्न में रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन, 250 मार्क और 150 मिनट का समय, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होगा आपका एक और टेस्ट होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पर आपको कीबोर्ड की मदद से ऑनलाइन ही एक लेटर टाइप करना रहेगा, 10 मार्क का होगा वो, और एक ऐसा टाइप करना रहेगा वो 20 मार्क का होगा। टोटल 30 मार्क्स का पेपर रहेगा और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ये टाइप करने रहेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई होते हो तभी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपका फाइनल इवेल्यूशन में इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा, ये यहाँ पर मेंशनड है। ठीक है, सो जैसे ही मैं आपका डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई होगा तो आपके मेंस के स्कोर के बेस्ड ऑन जो मेरिट बना हुआ होगा उसके बेस्ड ऑन आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा। इंटरव्यू में जैसे ही आप जाओगे तो इंटरव्यू में भी आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू और मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस्ड ऑन होगा, और जिसका रेशियो रहेगा 75:25। ये एग्जामिनेशन इंटरव्यू का रेशियो है, यानी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको 75 के रेशियो में कन्वर्ट किए जाएंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 25 के रेशियो में कन्वर्ट होंगे, और टोटल 100 में से फाइनल मेरिट बनेगा जिसके बेस्ड ऑन आपका चयन होगा। ठीक है, वो बात की बात है, टेंशन नहीं लेने का, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देने की। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सी, सैलरी वाली, कि पैसा कितना मिलेगा। तो देखो
यहाँ पे ग्रॉस पे लिखा है 88,000 पर मंथ अप्रोक्स एट मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, यानी मेट्रो सिटीज में आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 88,000 और बेसिक पे रहेगा 50,925। और अदर एडमिसेबल अलाउंसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि ग्रेजुएटी, LTS, मेडिकल ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट, परफॉर्मेंस, PLI, NPS, लीज्ड एटसेट्रा, जितने भी बनते होंगे वो सारे मिलेंगे। देखो, जॉब नहीं है तब कोई भी जॉब अच्छा है, और ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है। 88,000 सैलरी है पर मंथ, और क्या चाहिए, जम के मेहनत करो। यहाँ पे प्रीलिम्स का तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं, एक ही एग्ज़ाम है, अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।